रॉनी 225। इसका ऑन रोड प्राइस वही है क्या? 2,04,000। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी सोए हुए थे, उठे और अगर एक भैया के साथ जाना है मार्केट, तो वो आए हुए हैं, तो वो नीचे खड़े हैं, तो चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या सीन रहेगा आज मार्केट का। 11:16 हो रहा है। तो गाइस, बहुत दिन के बाद अभी निकले हैं और ये अपना N160 को बाहर निकाले हैं। करीब लगभग एक हफ्ता हो गया इस गाड़ी को बाहर निकाले हुए गाइस, और रमजान चल रहा है तो अभी तो लगभग नहीं निकाल रहे हैं। और आज का मौसम देख लीजिए, काफ़ी प्यारा है, लग रहा है कि बारिश होने वाली है। और दिन में काफ़ी ज़्यादा धूप था और अभी शाम हो गई है, और शाम में आप टाइम देख लीजिए, टाइम जो हो रहा है वो 3:23 हो रहा है। जो चल रहा है, ये बाइक लिया है और इसी का आज नंबर प्लेट लगवाना है, तो शोरूम से फ़ोन आया कि आओ, नंबर प्लेट आपका आ गया है, तो हम लोग वही जा रहे हैं लगवाने के लिए। और इसमें फ्यूल नहीं था तो इसको लेके आए हैं फ्यूल डलवाने के लिए। और आज का व्यू देख लें, और हम लोकेशन में कैसा है, तो चलते हैं शोरूम के पास और वहीं मिलते हैं गाइस। ओके, तो शोरूम आ गए हैं और अब नंबर प्लेट क्या हुआ, आ गया है? कौन कर गई है? ये नाम क्या है बाइक का? रॉनी 225। इसका ऑन रोड प्राइस वही है क्या? 2,04,000। तो काफ़ी सारा मॉडल है, रेड वेरिएंट भी है। रेड कहाँ ले लिया था तुमरे? रेड लेना चाहिए। अच्छा, इसमें आपका आयरन मैन आ गया, आयरन और देखे थे काफी स्टिकर वगैरह लगा हुआ था आयरन मैन टाइप का। हाँ, यही सब तो था, और कुछ लोगो वगैरह भी था आयरन मैन वगैरह, और भी कुछ। हाँ, यही सब सब एवेंजर का था। ये सब उसमें से कितना डिफरेंस है? कपड़े कितना इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। हाँ, और भी बहुत तरह तरह का, मतलब रेंज आपको दिखाता है कितना किलोमीटर गाड़ी चलेगा, जितना पेट्रोल आपका पंप में रहेगा टंकी में उतना आपको बताएगा कि कितना किलोमीटर और चलेगा। उसका क्या नाम था जो वो लिया था, उसका क्या नाम है? उसका नॉर्मल है, TVS Raider। और ये क्या है? ये आपका स्कॉट एडिशन। अच्छा, स्कॉट एडिशन। और उसका अमाउंट और इसका अमाउंट क्या? मार्वल एडिशन में। अच्छा, मार्वल एडिशन, हॉलीवुड का जो मार्वल एडिशन। हाँ हाँ हाँ, वो जान रहे हैं। चार वेरियंट है। अच्छा, ये आपको हो गया कैप्टन अमेरिका में आता है। हाँ, एक स्पाइडर मैन का, एक आयरन मैन का और एक ब्लैक पैंथर। फ्रंट का लुक तो सेम है, बाकी जो इसका जो स्टिकरिंग है वो चेंज है ना, बस। और इसमें एक्स्ट्रा क्या चेंज है? इसका थोड़ा सा मीटर कंसोल बड़ा है, इसका छोटा। इस सीट कवर लग जाएगा तो और अच्छा लगने लगेगा। तो गाइस, लग चुकी है सीट और ये देख लीजिए चमचमाता हुआ राइडर। अब कैसा लग रहा है आपको, राइड करके बताते हैं कैसा फील हो रहा है। तो इससे पहले नंबर प्लेट लग जाए, और नंबर प्लेट लगने के बाद दिखाते हैं। अब आपको देखना है टाइम लैप्स। फाइनली लग के तैयार हो गया। आप देखिए नंबर प्लेट के साथ ये गाड़ी कितना अच्छा लग रहा है। ये फ्रंट में भी आपका लग चुका है, दोनों ही जगह लग गया, देख ले यार, कोई दिक्कत नहीं, लग गया, अच्छा लग रहा है। तीनों चीज होना चाहिए आपका, ये पांच, ये IND और ये पॉलिसी नंबर लिखा होना चाहिए, जब जेन्युइन गाड़ी है ये चलान कट जाता, और पंच ही होना चाहिए। और ऐसे बाहर से लगवाएगा सीधे 5,000 का चलान है ना, बिना टोकन का नहीं होगा। तो नंबर अगर आप लोग लेना चाहते हैं अपना मन मर्जी के, तो आपको 5100 का आपका पॉलिसी क्या होता है जी? टोकन कटवाना पड़ेगा। वो कटवा लेने के बाद आपको कुछ वीक बाद आपका नंबर आएगा, फिर आपको कॉल आएगा और आप लगा सकते हैं। ये चाहे ये ऑल ओवर इंडिया में, और दूसरी बात है कोई भी बाइक आप लेते हैं वो सभी में अप्लाई हो सकता है। तो फिलहाल चलते हैं, टाइम भी हो चुका है, अभी का टाइम देख ले आप, 3:51 हो रहा है PM। और यहाँ से निकलते हैं हम लोग, और करीब लगभग एक हफ्ता बाद आए सेक्टर 4। देख ले, एक वीक के बाद ये N160 बाहर आया है। अब इसमें फ्यूल डलवाना है और चलना है सीधे, तो सेक्टर 5 जा रहे हैं गाइस फ्यूल डलवाने के लिए, और वहीं से आपसे मिलते हैं।
तो गाइस यहाँ पे चैन का जो ऑयल है वो लगवा ली, अब यहाँ से चलते हैं क्योंकि चैन जो है आवाज़ करती है, पता नहीं और क्या सूख जाने के बाद ये ज़्यादा आवाज़ करती है गाइस यहाँ पे, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा घुस जाता है ना, डस्ट पार्टिकल यहाँ पे ज़्यादा घुस जाता है। इसका स्प्रे आता है, अब स्प्रे लेना पड़ेगा और उसके बाद देखते हैं। फिलहाल अभी तो ऑयल डलवा लिए बाहर से ही काम चलाओ के लिए, उसके बाद लेते हैं बाहर। तो गाइस यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलते पेट्रोल पम्प, क्योंकि पेट्रोल भी लेना है और पेट्रोल भी नहीं है तो मीटर भी कंट्रोल देख लेंगे, खाली है, चलते हैं ब्रो। तो गाइस अभी जस्ट घर पहुँचे हैं और नमाज से अभी टाइम हो गया है तो चले नमाज पढ़ने के लिए, और नमाज के बाद मिलते हैं क्योंकि असर का टाइम हो गया। अभी जल्दी टाइम देख लीजिए आप, टाइम हो रहा है 4:25 PM, तो नमाज पढ़ने के बाद आपसे मिलते हैं। ओके बाय। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस फाइनली टाइम हो चुका है और 5 मिनट बचा हुआ है अजान होने के और अफ्तारी करने के, तो अफ्तार में आप देख लें क्या क्या सामान आया हुआ है आज का। ये पकौड़ी एज वेल डेली की तरह, चना और ये जो आप देख चुके हैं, और शरबत, यही है आज का अफ्तार। और हाँ, एक नया डिश बना है आज, ये है चॉप, आलू चॉप एक्स्ट्रा बना है, आलू चॉप, और ये सब एज वेल जो डेली की तरह मिलता है वही चीज़ है। तो गाइज अब मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग पे और आप लोग भी अफ्तार कर ले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 5वां ख़त्म होने वाला है, 5वां रोज़ा जो है वो ख़त्म होने वाला है, और कल एक नेक्स्ट जो होगा वो 6ठा होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग पे, और ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें और मिलते हैं इस नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय।